तो चलिए एक बार तालियों से स्वागत कीजिए रंजन सर का टीचर्स डे के एक सुनहरे और बहुत ही बेहतरीन स्पीच के लिए। हाँ, सुनहरे अवसर पर एक स्पीच के लिए सर। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई देखें बैठे के बोलिए। बजाओ बजाओ राम सर, चलिए स्टार्ट। आज शिक्षक दिवस है, सभी को पता है कि क्यों मनाते हैं हम लोग। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है आज, उसी के उपलक्ष्य में हम उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको पता है, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे हमारे राष्ट्रपति। ये तो सबको पता है कि उनके जन्मदिवस पे मनाया जाता है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना की शुरुआत कैसे हुई। एक्चुअली हुआ क्या कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, दूसरे राष्ट्रपति बने 1962 में, जब उनको दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे, एक अध्यापक थे, एक प्रोफेसर थे, एक फिलोसोफर थे, है ना, पढ़ाते थे वो कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो उनसे बहुत सारे स्टूडेंट उनके टच में थे, उनसे बात मतलब उनसे होती रहती थी। तो जब वो राष्ट्रपति बने तो उनके कई सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे शिक्षक राष्ट्रपति हुए, है ना, भारत के पहले व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। तो स्टूडेंट ने कहा, सर हम आपके जन्मदिन को एक विशेष दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो बोल मतलब आपके नाम पे या किसी नाम पे विशेष दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरे जन्मदिन को मनाना है तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, क्योंकि भले ही मैं अभी राष्ट्रपति हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिकॉग्निशन है, मेरी जो पहचान है, वो एक शिक्षक के रूप में हो, है ना। मुझे ये कोई नहीं जाने कि राष्ट्रपति थे, है ना, वो जाने कि एक बहुत बड़े शिक्षक थे, क्योंकि शिक्षक दिवस अगर मनाया जाएगा तो उससे मेरी पहचान उसी से जुड़ जाएगी, और तभी से वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो समझिए शिक्षक की कितनी बड़ी गरिमा होती है, कितनी बड़ी डिग्निटी है कि उन्होंने राष्ट्रपति के पद से भी बड़ा, है ना, शिक्षक के पद को वहाँ पे बताया, है ना। और सही में शिक्षा जो होता है, शिक्षक जो होता है, एक बहुत बड़ा रोल मॉडल होता है ना। APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि अ गुड टीचर इज वन हु इनलाइटेड आवर सोल, इग्नाइटेड आवर माइंड एंड लाइटेन आवर पाथ। समझ में आया इसका मतलब, इनलाइटेड आवर सोल का मतलब है आत्मा को प्रज्वलित करना, है ना, आत्मा को आत्मा से मिलने के लिए बताना, आत्मा क्या होता है उसके बारे में बताना। इसका मतलब कि आपका जो एग्जिस्टेंस है, है ना, आपका जो जीवन का उद्देश्य है उसको बताना। तो टीचर क्या करता है, आपके आत्मा को इनलाइट करता है, जैसे बुद्ध इनलाइट करते थे, बुद्ध भी एक टीचर ही थे। महात्मा बुद्ध ने कभी ये नहीं बोला कि मुझे पूजा जाना चाहिए, महात्मा बुद्ध हमेशा ये बोलते थे कि मुझे एक शिक्षक के रूप में जाना जाना चाहिए, है ना। क्योंकि शिक्षक के रूप में क्या होता है, एक स्टूडेंट और शिक्षक के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, और गॉड से हम क्या करते हैं, हम फेयर करते हैं, डरते हैं, है ना, कुछ गलत हो जाए तो गॉड हमें पनिश कर सकता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं करता है, शिक्षक आपकी गलतियों को सुधारता है। तो भगवान का दर्जा दिया गया है शिक्षक को, बोला गया है ना, गुरु वर्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, है ना। तो इसीलिए शिक्षक को क्या बोला गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप किसी के भी जीवन का पहला शिक्षक कौन होता है। मेरा मानना है कि माँ से भी पहले जो पहला शिक्षक होता है वो प्रकृति होती है, नेचर होता है। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। देखिए, जब बच्चा भ्रूण में होता है, एम्ब्रियो में होता है ना, तो माँ से उसका कांटेक्ट अभी नहीं हुआ है, जब तो वो सामने नहीं है, लेकिन प्रकृति उसको सिखा कर भेजती है कि बच्चे जब बाहर निकलोगे तो सबसे पहले तुमको भूख लगेगा, है ना, भूख का एहसास होगा। तो वो प्रकृति से ही बहुत सारी चीज़ें सीख कर आता है, रोना, है ना। और दूसरी जो टीचर होती है वो होती है माँ, है ना। माँ क्या करती है, दूसरी टीचर होती है, वो बताती है कि कैसे खाना है, खाने का, भूख और प्यास और रोना, ये तो नेचर ही सिखा कर आया उसको। अब उसको वो बताती है कि कहाँ पे रोना है, कहाँ पे हंसना है, कहाँ पे चलना है, कैसे खाना है ना, ये माँ सिखाती है। तीसरा टीचर कौन होता है, तीसरा शिक्षक होता है पिता, जो हमें जब हम होश संभालते हैं, जब तक हमें होश नहीं, हमें लगता है माँ ही सब कुछ है, है ना, ऐसा लगता है माँ ही हम मेरे लिए सब कुछ वो कर रही है। लेकिन जब हमारा होश आता है, तब हमें पता चलता है कि ये जो हमें मिल रहा है उसको अर्न कैसे किया जाता है,
तो अर्न करने की कला कौन सिखाता है? पिता। जिम्मेदारी लेने की कला कौन सिखाता है? पिता। तो तीसरा टीचर होता है पिता, और चौथा टीचर होता है गुरु, है ना। जहाँ हम पढ़ाई करते हैं वो हमारा चौथा टीचर होता है, है ना। गुरु का क्या रोल है? गुरु हमें ये बताता है कि ये जो जीवन है, ये जीवन है क्या, है ना, जीवन है क्या, और इस जीवन को कैसे, इस जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे चीज़ों को, किन चीज़ों को छोड़ना है, किन चीज़ों को पकड़ना है, है ना। तो चौथा टीचर क्या होता है? गुरु, है ना। तो इसीलिए आज शिक्षक दिवस पे मेरा बस यही कहना है कि गुरु और शिष्य के बीच में एक बहुत ही पियस रिलेशन है। पियस मतलब बहुत ही पवित्र रिलेशन है, है ना। ऐसा रिलेशन है कि समझिए कि आपकी ज़िंदगी का आधा डोर उसके हाथ में है, है ना। आधा डोर माता पिता के हाथ में होता है, है ना। वो जिधर चाहे आपकी गाड़ी को मोड़ सकते हैं, लेकिन आधा जो गाड़ी का जो डोर है या स्टेरिंग बोल सकते हैं उसको, वो किसके पास है? टीचर के पास। और एक अच्छा टीचर आपको ज़िंदगी में एक महान व्यक्ति बना सकता है। तो मेरा मानना है, जो APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, कि एक अच्छा टीचर वही है जो आपके आत्मा को झंझोड़ दे। आत्मा को झंझोड़ने का मतलब आपके जीवन के उद्देश्य को आपको समझा दे, है ना। दूसरा, इग्नाइट योर माइंड, यानी आपके दिमाग को इग्नाइट कर सके। इग्नाइट मतलब समझते हैं, आग लगा देना, दिमाग में आग लगा देना, मतलब आपको शिक्षा के प्रति इस तरह से पागल बना दे कि आप खुद ही ढूंढ लेंगे, है ना। और तीसरा होता है लाइटन योर पाथ, यानी आपका जो रास्ता है उसका पथ प्रदर्शक, है ना, टॉर्च बियरर होता है एक शिक्षक। तो ये जिसके अंदर गुण है, एक अच्छा टीचर है। यानी एक अच्छा टीचर वो नहीं जो आपको एक मतलब कोई फैक्ट पढ़ा दे, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन दे दे सिर्फ किताबें ज्ञान। अच्छा टीचर वही है जो आपके अंदर वो जिज्ञासा क्रिएट कर दे, जैसे साइंस है, है ना। अब साइंस के प्रति आपकी जिज्ञासा क्रिएट हो जाए कि आप इतना इसको सर्च करने लगे। कोई जो वैज्ञानिक हुए हैं अभी इसरो में, किसी ना किसी के तो स्टूडेंट हुए होंगे, वो क्यों वैज्ञानिक बने? उनके टीचर ऐसे महान थे। वो स्टूडेंट महान नहीं है, वो टीचर महान है जो उसमें इतना जिज्ञासा भर दिया कि वो रॉकेट चंद्रमा पे कैसे पहुंचना है उसकी डिस्कवरी कर लिया, है ना। और पूरी दुनिया में वो महान बन गया। चाहे कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट में भी अगर देखें तो विराट कोहली महान नहीं है, उसके पीछे उसका जो गुरु है वो महान है। उन्होंने उसके अंदर इतनी जिज्ञासा डाल दी कि किस शॉट को कैसे खेलना है कि वो खुद ही डिस्कवर करने लगा। तो एक अच्छा टीचर वही है जो आपके अंदर वो आग पैदा कर दे, है ना, आपके माइंड में इग्नाइट पैदा कर दे। इसीलिए APJ अब्दुल कलाम की एक किताब है, है ना, पढ़ें आप लोग, इग्नाइटेड माइंड। APJ अब्दुल कलाम की एक किताब है इग्नाइटेड माइंड, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी है, अग्नि की उड़ान। तो आप पढ़िए उससे, वहाँ पर आपको पता चलेगा एक गुरु क्या कर सकता है। सही बता रहा हूँ, एक अच्छा अगर गुरु है तो आपके आने वाले जनरेशन का भी जिंदगी बदल कर रख सकता है। लेकिन वो गुरु सही में होना चाहिए। जो देखिए, फीस लेना या जो भी चीज़ें हैं वो अलग चीज़ है, जीविका सबको चलाना है तो फीस तो लेगा ही, है ना, अपने काम का। पहले भी आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि गुरु दक्षिणा का कंसेप्ट होता था, गुरु दक्षिणा दिया जाता था। लेकिन गुरु दक्षिणा लेने के बावजूद बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो जिनका एम सिर्फ पैसा कमाना है, है ना, वो आपके लाइफ के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जो सही टीचर है वो हमेशा आपके लाइफ के बारे में सोचेगा, है ना, हमेशा सोचेगा कि आप एक बड़े मुकाम पे हासिल करें, और सबसे बड़ी खुशी उनको होगी, है ना। देखते हैं कि द्रोणाचार्य जो थे, उनका जो शिष्य था अर्जुन, उसको महान बनाने के लिए उन्होंने गलत काम को भी अपना लिया था, है ना, एकलव्य का उन्होंने अंगूठा मांग लिया। यानी अपने शिष्य के प्रति इतने पॉजिटिव थे, पॉजिटिव मतलब समझते हैं, अपने शिष्य को लेकर इतने पॉजिटिव थे, उसके सक्सेस को लेकर, उनको उनके सामने उनको कुछ नहीं दिखता था। उनको पता चल गया कि एकलव्य अर्जुन एक ही व्यक्ति है जो अर्जुन को हरा सकता है, और वो मेरे शिष्य को सबसे महान धनुर्धर बनने से रोक सकता है। इसलिए उन्होंने गलत काम भी उठाना मतलब वो किया कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। हाँ, ये सही नहीं है, क्योंकि एकलव्य भी उनको गुरु मानता था, है ना, एकलव्य भी द्रोणाचार्य को। और गुरु का पावर देखिए कि गुरु द्रोणाचार्य का सिर्फ मूर्ति का पूजा करके उसको गुरु मानकर उसने सारी विद्या सीख ली, ठीक है ना। उसके बाद कर्ण के बारे में आपने सुना होगा, सुना है ना, परशुराम के वो शिष्य बने थे और उन्होंने झूठ बोलकर वो शिक्षा ली थी, है ना। तो एक वाक्य है उसमें कि जांग पे वो सोए हुए थे, अब मतलब बताया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में, क्योंकि वो क्षत्रिय से बहुत नफरत करते थे, है ना, और वो कभी शिक्षा नहीं देते उसको। अगर उनको पता था, हाँ उनको नहीं पता था, लेकिन जब क्या हुआ कि उनके जांग पे वो सोए हुए थे, और क्या हुआ उनके कान के पास खून का वो एहसास हुआ, तो वो उठे
और उन्होंने देखा कि इसके मतलब जांग से ब्लड निकल रहा है, तब उन्होंने बोला, क्योंकि गुरु सब कुछ पहचान लेता है ना, गुरु जो है अपने शिष्य के रग रग से वाकिफ होता है, तो उन्होंने बोला कि ये कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता है ना, या कोई दूसरा, सिर्फ वो ब्राह्मण को शिक्षा देते थे है ना, तो ये कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता, ये जरूर कोई क्षत्रिय है ना, जो जिसमें इतना सहनशीलता है। तो ये गुरु है, गुरु का रिलेशन है ना, भले उन्होंने उनको श्राप दिया था कि लास्ट टाइम में तुम अपनी विद्या भूल जाओगे, लेकिन ठीक है वो उनको हर्ट हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन सारी विद्या कर्ण ने किससे सीखा, परशुराम से है ना, वो एक श्राप के कारण वो हार गए, लेकिन कर्ण को हरा पाना ये धरती पे नामुमकिन था है ना, कर्ण ने ऐसी शिक्षा ली थी उनसे परशुराम से कि उसको हरा पाना इस धरती पे नामुमकिन था, अर्जुन के बस की बात नहीं थी, वो श्राप के कारण उस समय वो अपना भूल गए, ठीक है। तो ये गुरु का पावर है, लेकिन हाँ आप गुरु को मानेंगे तभी जब दिल से मानेंगे ना कि ये गुरु है, किसी फोटो को भी मान के गुरु मानकर उसकी रूप उसके प्रति समर्पित होकर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, क्या है प्रैक्टिस ही है ना, जब आप उसके प्रति समर्पित होकर उसमें विश्वास दिखाकर जब आप करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। आज के युवाओं को मैंने देखा है, ठीक है, जो सफल हुए हैं, मैंने देखा है जो सफल हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सफल हैं अभी यूपीएससी बीपीएससी में और दूसरे एग्जामिनेशन में, उनको देखा है जो सफल हुए हैं वो पूरी तरह गुरु के प्रति समर्पित रहे, और जो नहीं सफल हो पाए उनको हमेशा डाउट रहा है गुरु पे और खुद पे। जब गुरु पे ही आप जिसके पास पढ़ने जा रहे हैं उस पे ही डाउट करेंगे, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप खुद पे ही डाउट कर रहे हैं है ना। तो गुरु को प्रॉपर एक जगह दीजिए है ना, और उन पे विश्वास करके पूरी आस्था के साथ, ईश्वर में भले आपको विश्वास ना हो लेकिन गुरु में जरूर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कुछ होता नहीं है ना, ईश्वर क्या है, जो आपका विश्वास है वही ईश्वर है, अगर आपने गुरु को ईश्वर मान लिया तो वही ईश्वर है ना, ईश्वर कुछ होता नहीं है, एनर्जी है। तो पूरी आस्था के साथ उनमें दिखाते हुए अपने लक्ष्य को साधिए और आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है, थैंक यू। रंजन सर के बहुत ही मोटिवेटेड स्पीच के लिए धन्यवाद। आप भी कुछ बोलिए। हमको भी बोलना है, ठीक।